दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन यूट्यूबर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका नहीं चाहता था नागासाकी पर परमाणु हमला करना। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया। बताया जाता है कि परमाणु बम के हमले के बाद हिरोशिमा में 13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही मच गई। एक ही झटके में हजारों लोगों की मौत हो गई। इससे होने वाली तबाही का अंदाजा जब तक लगाया जाता तब तक जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी अमेरिका ने परमाणु हमला कर दिया। देखते ही देखते हिरोशिमा जली हुई लाशें और मलबों के ढेर में तब्दील हो गया। जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया। हालांकि नागासाकी पर परमाणु हमला तय नहीं था। तो फिर ऐसी कौन सी स्थितियां बनी जिसके कारण यह शहर निशाना बन गया? 8 अगस्त 1945 की रात बीत चुकी थी। अमेरिका के बम वर्षक विमान B-29 में सुपर फोर्स बॉक्स पर एक बम लदा हुआ था। यह बम आकार में किसी बड़े तरबूज जैसा था और इसका वजन 4050 किलो था। बम का नाम विंस्टन चर्चिल के शॉर्ट रूप में फैटमैन रखा गया। इस दूसरे बम के निशाने पर था जापान का इंडस्ट्रियल सिटी कोकुरा। यहाँ जापान की सबसे बड़ी व सबसे ज़्यादा गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थीं। सुबह 9:50 पर B-29 विमान से कोकुरा सिटी नज़र आने लगा था। विमान 31,000 फीट की ऊँचाई पर उड़ रहा था। बम को भी इसी ऊंचाई से गिराया जाना था, लेकिन शहर के ऊपर बादलों का डेरा था। B-29 फिर से घूमकर कोकुरा शहर के ऊपर आ गया, लेकिन जब बम गिराने की बारी आई तो शहर पर फिर से बादलों का डेरा था और नीचे विमान भेदी तोपें आग उगल रही थीं। B-29 का ईंधन भी खतरनाक तरीके से खत्म होता जा रहा था। विमान में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वापस पहुंच सकें। इस अभियान के ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेशर ने बाद में बताया कि जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां बादलों का डेरा था, तभी हमें वहां से हटने का मैसेज मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े जो कि नागासाकी था। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।